पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कार्यकर्ताओं से की बातचीत, कहा हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान, सरकार बनने पर महिलाओं के लिए करेंगे काम। विकास की राजनीति करना चुनौती है, हमने संघर्ष से गुजरी महिलाओं को दिया टिकट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री। फ्री बिजली के लिए करवाए रजिस्ट्रेशन, यूपी की खुशहाली के लिए करेंगे काम। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी का सीएम फेस। मोहाली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नाम का किया ऐलान। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट को 21 में से 15 लाख लोगों ने पब्लिक वोटिंग में चुना। 3 दिन में 21 लाख से ज्यादा लोगों ने दी राय। पंजाब चुनाव को लेकर बोले नैलो विधायक अभय चौटाला, पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने का किया दावा। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को बताया किसानों का सच्चा हितैषी। दुष्यंत चौटाला ने साधा इनेलो और कांग्रेस पर निशाना। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी का दिया जवाब, तो इनेलो के अकाली दल को समर्थन पर उठाए सवाल। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी का अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन। मोहाली और लुधियाना समेत कई जगहों पर छापेमारी। मोहाली में सीएम चन्नी के करीबी पर भी रेत। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की छापेमार कार्रवाई पर बोले सीएम चन्नी, कहा हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने सीएम चन्नी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का दिया संकेत। ट्विटर पर सोनू सूद का वीडियो किया जारी, सीएम चन्नी भी वीडियो में मौजूद। हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर लगी रोक। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति जरूरी। हरियाणा पुलिस को मिला प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया अवार्ड। लाल और नेवी ब्लू रंग के फ्लैग के साथ लगेगा हरियाणा पुलिस का लोगो। शिमला के पिटाव में 5 जिलों के विधायकों के साथ सीएम ने किया मंथन। बजट 2022 से इसकी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए की गई चर्चा। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई टेंशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, प्रदेश में 2-3 दिन लग सकती है नई बंदिशें। फिलहाल बॉर्डर को बंद करने की स्थिति नहीं। अगले शैक्षणिक सत्र में एमटेक कक्षाएं सुंदरनगर में होंगी शुरू। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा का बयान, छात्रों को बाहरी राज्यों का नहीं करना होगा रुख। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, देश में पिछले 24 घंटे में 2,38,000 नए केस आए सामने, कल के मुकाबले 20,000 कम। देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज, एक दिन में 16,49,000 से ज्यादा टेस्ट, अब तक कुल 70 से ज्यादा किए गए सैंपल टेस्ट। हरियाणा में गहराया कोरोना का संकट, कोरोना के 9,204 नए केस आए सामने। राज्य में 54,814 कोरोना के एक्टिव केस। मंडी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा, सोमवार को जिले में 312 कोरोना संक्रमित आए सामने। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,180। आईआईटी मंडी के शोध में बड़ा खुलासा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल ब्रांच करेगा कोविड-19 का खात्मा। बीते 2 सालों से जारी शोध में निकला निष्कर्ष। सरकाघाट और चंबा जिले के कई गांव में सड़कों से आज भी महरूम लोग। रटौली गांव और चंबा के कलहील और भावला पंचायत के लोग मरीजों को पालकी में सड़क तक पहुंचाने को मजबूर। यूरिया खाद का सही वितरण ना होने से किसान परेशान, किसान संघर्ष समिति का किसानों का फूटा गुस्सा। कृषि विभाग कार्यालय के पास पहुंचकर की नारेबाजी। सोनीपत में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे कुंडली गांव के ग्रामीणों ने नाराज होकर किया प्रदर्शन। नगर पालिका के अंदर किया प्रदर्शन। अंबाला नगर निगम का बकाया न चुकाने वालों पर होगी सख्ती। निगम में 860 डिफॉल्टर्स की सूची तैयार, जल्द होगी कार्यवाही। पिंजौर परवाणु बाईपास पर गांव टिपरा के पास दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार पलटते हुए दूसरी गाड़ी से टकराई, एक की मौत, 4 घायल।